हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने गांव में, मतलब अपनी ससुराल में, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था मेरे चाचा जी की बेटी की शादी भी वहीं हुई है जहाँ पर मेरी हुई है, उसी गांव में। तो मैं आज उससे मिलने जाऊँगी क्योंकि मैं कई दिन से जा नहीं पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मुझे क्या मतलब, कार्तिक के डैडी को टाइम नहीं था क्योंकि ऑफिस जाते हैं, वहाँ से 5 बजे आते हैं तो देर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं संडे में जाऊँगी, लेकिन मुझे पता चला कि वो तो कल ही वापस जा रही है, तो फिर इसलिए मैं उससे आज मिलने के लिए जा रही हूँ और मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी। वैसे मैंने और किसी को अब तक बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई फ़ोन कर ही देता है। तो फ्रेंड्स, मैं गांव में जाके आपको दिखाऊंगी, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में गांव में। फ्रेंड्स, ये देखिए गांव का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और अब हम पहले जाएंगे अपने खेत पे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पर्यावरण दिवस पर ये लगाया था नींबू का पेड़, ये अब इतना बड़ा हो गया है देखिए। और मैंने अमरूद और उसके भी पेड़ लगाए हुए हैं, आड़ू, और ये है अमरूद का पेड़, ये देखिए ये भी अभी इतना बड़ा हो गया है। और एक और है, ये एक छोटा सा पेड़ हो रहा है, ये भी नर्सरी से लेके लगाया था। ये बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं और ऊपर से तोड़ देते हैं, ये देखिए ये भी तोड़ दिया, लेकिन ये चल रहा है फिर भी, ज़मीन में लगा हुआ है ना इसलिए सही चल रहा है। और ये आड़ू का पेड़ है, ये आजकल इसकी पतझड़ हो रखी है, ये पत्ते झड़ गए कुछ है ऊपर, ये देखिए ये भी सही चल रहा है ऐसे, इतना बड़ा हो गया ये भी। और ये हमारे खेत के चारों तरफ का व्यू है फ्रेंड्स, ग्रीनरी, ये देखिए यहाँ गन्ना लगा हुआ है और ये इधर भी गन्ना लगा हुआ है। हम गांव में आए थे तो रास्ते में हमारा खेत पड़ता है कि चलो देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा देसी खाद डलवा दो नींबू में तो उससे बढ़िया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैं अपनी बहन की शादी में गई थी, मैंने आपको बताया था दोनों बहनों के एक ससुराल है, आज मैं सेम मिलने आई हूँ। देखो भाई, ये फैमिली है, बाकी लोग बाहर बैठे हैं सब लोग, तो आज मैं मिलने आई हूँ इससे। अब ये वापस जाएगी गांव में, फिर से वहां मिलने जाऊंगी मैं, बस मेरा तो अभी एक काम है, कभी यहाँ मिलना कभी वहां मिलना। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ, आज बना रही हूँ मैं हेयर ऑयल अपने बालों के लिए। ये देखिए इसमें मैंने डाला है नारियल का तेल, करी पत्ता, ये प्याज, और ये आंवला उसको कद्दूकस करके, और ये लहसुन की कली, और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी फिर, जब तक कि तेल के अंदर इन सब चीज़ों का फ्लेवर में आ जाए। और ये है मेथी दम, फ्रेंड्स मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बालों के लिए रेमेडी बना लेती हूँ। मुझे कई लोगों ने बताया कि इसके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और ग्रोथ भी अच्छी होती है और झड़ना भी बंद हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना के रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तेल अब पककर तैयार हो गया है, ये देखिए सारे मटेरियल का कलर भी कितना डार्क ब्राउन हो गया है। तो अभी ऐसे मैं इसको इसके में छान लूँगी और फिर इसको स्टोर करके रख लूँगी। इसको ऐसे अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर ये जो मटेरियल बचा है इसको पीस कर इसका पेस्ट बनाकर बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये निकल गया है ऑयल, मेरा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा मेरे पास कम था तो मैंने आज थोड़े बनाया है, फिर मैं अगली बार जब पूरा डब्बा ला के उसका शुरुआत में बना लूँगी। और ऐसे इसको पोर कर लेंगे डब्बे में,
फ्रेंड्स, यदि आपके पास नारियल का तेल ना हो तो आप सरसों के तेल में भी बना सकते हो, या आप सरसों का तेल लगाती हो तो उसमें भी अच्छे से बन जाती है। और इस रेमेडी को आप वीक में कम से कम 2 बार अप्लाई करें अपने सिर में, सिर धोने से पहले 1-2 घंटा लगा रहने दें तो, या फिर रात को लगा कर छोड़ दें और सुबह सिर धो लें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही असरकार रेमेडी है, मेरे भी कई लोगों ने लगाई है, जानकारों ने और मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए, मेरे भी तेल बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं इसे कुछ आराम होता है कि नहीं। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना, और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और ये रेमेडी अपने फ्रेंड्स में सबको शेयर करना। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में घर की सब चीज़ें हैं और बिल्कुल एकदम से प्योर हर्बल तेल तैयार हुआ है ये, इसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है केमिकल वगैरह जिससे किसी को कुछ नुकसान हो। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए बाहर से भी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसको भी पेस्ट बनाकर इसको बालों में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा।